गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं संजू शर्मा, आज जो आपका टॉपिक है वो है पाठ्यचर्या यानी कि पाठ्य वस्तु का अर्थ एवं विशेषताएं। बच्चों, वैसे मैंने ये टॉपिक आपको पता है कि आपके फर्स्ट ईयर में मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, लेकिन जब मैं पाठ्यक्रम पढ़ा रही थी तो मुझे ये विचार अपने दिमाग में आया कि शायद कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं अपना ये टॉपिक थोड़ा सा आपको वापस रिपीट कर रही हूँ, जिससे कि आपको पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में जो अंतर है और हमारी जो मनोदशा होती है इन दोनों की समझने की वो क्लियर हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रम समझ जाते हैं और पाठ्यक्रम को हम पाठ्यचर्या समझ जाते हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो में ज्यादा आपको कहते हैं कि ये जब हम पहले लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं तो मैं ज्यादा इसका व्याख्या मैं करके इसकी और थोड़े बहुत जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैं उन पर चर्चा करूंगी, और साथ में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इन दोनों में जो अंतर है वो आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आज आपको पाठ्यचर्या के अर्थ और विशेषता के बारे में बताऊंगी। हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम होता है हमारा करिकुलम और पाठ्यचर्या होता है हमारा सिलेबस, यानी कि पाठ्यचर्या को हम क्या कहेंगे, सिलेबस, या हम उसे क्या कहते हैं, विषय वस्तु। जो कि हमें पता है कि हमारी जो पाठ्यचर्या है, हमारी जो विषय वस्तु है, प्रत्येक विषय वस्तु का अलग हमारा सिलेबस होता है, यानी कि प्रत्येक विषयों का हमारा हमारी जो सिलेबस है उसका विभाजन कर दिया जाता है अलग अलग विषयों में। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि पाठ्यचर्या क्या होता है या उसके अर्थ क्या होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि पाठ्यचर्या को हम विषय वस्तु कहते हैं या हम उसको पाठ्य वस्तु कहते हैं। पाठ्य वस्तु के अकॉर्डिंग हमारी प्रत्येक विषयों का हमारा विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक विषय का हमारा अलग से सिलेबस बना दिया जाता है। ये जो पाठ्यचर्या होती है ये हमारी एक क्या होती है, हमारी पाठ्यचर्या एक दूरी होती है, दूरी यानी कि हमारी आपस की हम जो कहते हैं जिस पर हम खड़े रहते हैं ये हमारा आधार है, पाठ्यचर्या हमारा आधार होती है। कहते हैं जैसे हमारे लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है, मापन और मूल्यांकन में अंतर होता है, उतना ही अंतर हमारे पाठ्यचर्या और हमारे पाठ्यक्रम में होता है। पाठ्यक्रम में हमारी ऑलेवल सारी व्यवस्था जो सारा हमारा कहते हैं हम जिस कोर्स को कर रहे हैं उसके ऑलेवल कोर्स का आता है, और पाठ्यचर्या में जब हम कोर्स करते हैं जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड प्रथम वर्ष का जो हमारा होता है प्रत्येक विषय का वो हमारी पाठ्यचर्या है, और जो दोनों ईयर का है वो हमारा होता है हमारे पाठ्यक्रम, और उस पाठ्यक्रम में यहाँ तक कि हमने जो हमारी कंपटीशन हमने बीएड पास किया वो पाठ्यक्रम में होती है। साथ में दो साल में जितनी भी हमारी विषय वस्तु यानी पाठ्यचर्या के साथ साथ जो सारी हमारी एक्टिविटीज होती है, प्रैक्टिकल वर्क होता है हमारा, और जो कहें कि हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती है वो सारी हमारी पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है, पाठ्यचर्या में प्रत्येक विषय का होता है। तो पाठ्यचर्या के लिए हम कहते हैं कि पाठ्यचर्या को हम विषय वस्तु के नाम से संबोधित करते हैं। किससे करते हैं, हम विषय वस्तु या हमारी पाठ्य वस्तु के नाम से हम इसे संबोधित करते हैं। पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु को उसमें पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाता है, ये मैंने आपको बताया ही है कि पाठ्यक्रम में के अंदर इसका क्या होता है, समायोजन होता है, यानी कि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है, पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। और जो पाठ्य वस्तु है, अब हम कहें कि पाठ्य वस्तु का तात्पर्य क्या है, तो पाठ्य वस्तु का तात्पर्य होता है प्रकरण के निर्धारित रूपरेखा से, प्रकरण के निर्धारित रूपरेखा से यानी कि जो हमारी विषय वस्तु के प्रकरण होते हैं उससे संबंधित प्रकरण की रूपरेखा हमने देखा।
वस्तु। तो पाठ्य वस्तु के अंदर हमारे होते क्या है, हमारे टॉपिक्स, हमारे प्रकरण, यानी कि हम उनका विभाजन करते हैं। हमने देखा हमारा सिलेबस, प्रत्येक विषय का हमारा सिलेबस होता है, पहले हम उसमें इकाइयों का विभाजन करते हैं। कोई जो इकाई होती है वो हमारी जो विषय होती है हमारी 3 इकाई की होती है, कोई हमारी 4 इकाई की, यानी कि हमने पहले उसका विभाजन किया इकाई के रूप में, और उसके बाद में इकाइयों में हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारी प्रकरण, यानी कि विषय वस्तु की जो हम रूपरेखा बनाते हैं, जो हम इकाइयों का विभाजन भी करते हैं, तो वो हम प्रकरण के आधार पर करते हैं कि प्रथम यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए, सेकंड यूनिट में कौन से टॉपिक आने चाहिए, थर्ड यूनिट में कौन से टॉपिक आने चाहिए। ये तो इसीलिए हम कहते हैं कि पाठ्य वस्तु से तात्पर्य होता है प्रकरण की निर्धारित रूपरेखा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है पाठ्यचर्या, लेकिन पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं किया जाता है। बच्चों इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि पाठ्यक्रम हमारा करिकुलम होता है और पाठ्यचर्या हमारा सिलेबस होता है, यानी पाठ्यक्रम में हम पाठ्यचर्या को सम्मिलित करते हैं। ये हमारी इसकी एक तरीके से हम कहें कि ये हमारी निर्धारित है। अब हम कहते हैं कि पाठ्यचर्या जो होता है, पाठ्यचर्या इसके द्वारा, पाठ्यचर्या के द्वारा हमारा जो बच्चों का बोधात्मक, ज्ञानात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक, इन सब क्रियाओं का क्या होता है, विकास होता है। यानी कि हम देखते हैं, हम जब विद्यालय में आते हैं, हम विषय वस्तु पढ़ते हैं, तो उससे संबंधित हम हमारी जो विद्यार्थी की ये सारी जो अधिगम में ये सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, इन क्रियाओं का उसमें विकास होता है। और हम ये कहें कि पाठ्य वस्तु जिसका हमें ज्ञान करवाते हैं, हमें इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें उस चीज का ज्ञान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के लिए हम कहें कि पाठ्यक्रम जो हमारे विद्यालय के ज्ञान का विकास है, हमारे वर्तमान में इसका अर्थ बदल गया, यानी कि हमने देखा पहले हमारी पाठ्यचर्या इतनी थी कि हमें शिक्षित किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे हमारी इसकी आवश्यकताओं के आधार पर जब पाठ्यक्रम का स्वरूप बदला गया, तो पाठ्यक्रम के स्वरूप के साथ साथ हमारे पाठ्यचर्या का स्वरूप भी बदल गया। पाठ्यचर्या के स्वरूप का बदलते ही जो रूप है वो है हमारा शारीरिक, बोधात्मक, और जो हम हमारी मानसिक क्रियाएं, संविदात्मक जो क्रियाएं करते हैं, ये हमारा बदला हुआ रूप है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं कब होती है, जब हमें उस चीज की आवश्यकता होती है। जो पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का बदला हुआ रूप है, उसी में अंतर करते हुए पाठ्यचर्या के स्वरूप में भी अंतर कर दिया गया। पाठ्यचर्या के स्वरूप में अंतर करते हुए हमने देखा कि पाठ्यचर्या जो होती है वो क्या करती है, इसके अंदर हमारे जो मानवीय गुण है उनका विकास करते हैं, हमें राष्ट्र से जोड़ते हैं, हम कहें कि हमारे लिए जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताओं को हमें याद दिलाया जाता है, हमारे नैतिक गुणों का विकास किया जाता है, यानी कि जो सारी क्रियाएं होती हैं ये हमारी पाठ्यचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। इन सबके द्वारा हम हमारे जो हमारे सारे हमारे कहते हैं चारित्रिक विकास में जितने भी हमारे नैतिक गुण हैं उनका भी हम विकास करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो शिक्षा है, कहते हैं शिक्षा का एक स्वरूप समाज से जुड़ा होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि समाज हमारा विद्यालय, यानी कि समाज का एक छोटा रूप हमारा विद्यालय है, तो समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं हमें भी प्रभावित करती हैं। तो जब प्रभावित करने की चीज आती है, तो प्रभावित जब कर रही है, तो हमें ये हमारी आवश्यकता बन जाती है कि हमें उसे हमारे पाठ्य वस्तु में सम्मिलित किया जाए। इसीलिए हमारी सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए जो हमारे श्रम की आवश्यकताएं होती हैं उसके अंदर हमारा विकास होना चाहिए, ऐसा हमारा पाठ्यचर्या होनी चाहिए, ऐसी हमारा सिलेबस होना चाहिए, जिससे कि हम आगे इस चीज को बढ़ा सके। आप कहते हैं कि इन सब चीजों के लिए हम जो हमारे भावात्मक, हमारे नेतृत्व गुण होते हैं उनका भी हम विकास करते हैं। इसके साथ हमने देखा है कि पाठ्यचर्या में हम इन चीजों को जोड़ देते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, हमारे जो कल्चर प्रोग्राम्स हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में करवाए जाते हैं,
या हम कहें कि हमारी जो शारीरिक क्रियाएं यानी कि खेल कूद ये क्रियाएं की जाती है वो हमारी शारीरिक से संबंधित होती है, हमारे नैतिक गुणों का विकास करना है तो हमें हमारे राष्ट्र हित के लिए या हम कहें कि हमारे अंदर विश्व बंधुता की भावना का विकास करने के लिए हमें जो हमारे राष्ट्रीय पर्वों का हम आयोजन करते हैं उनका हमें विभिन्न तरीके से हम उनका आयोजन करते हैं। हम कहें कि हमें अगर किसी चीज की जो हमारे कहते हैं हमारे देश के क्षेत्र के स्थान की अगर हमें नॉलेज लेनी है तो हमने हमारे पाठ्यचर्या में हम कहते हैं कि एक हम क्षेत्रीय भ्रमण कर लेते हैं उस भ्रमण को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। हम कहें कि हम एक बागवान यानी कि हमारे पर्यावरण को हमें स्वच्छ रखना है तो हम एक तरीके से पौधारोपण यानी कि हम करते हैं बागवानी करने लग जाते करवाते हैं। हम कहें कि हमें देश के लिए कुछ करना है तो हम एनसीसी स्काउट ज्वाइन करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है हमारी हमारे पाठ्यचर्या में हमने देखा है कि प्रत्येक जब हम कक्षा में पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमारे कुछ कोर्सेस इसको जोड़ दिए जाते हैं तो ये हमारी पाठ्यचर्या का हिस्सा बनती है कि पाठ्यचर्या में प्रत्येक कक्षा में अगर पूरी दो पूरे साल का देखें तो पाठ्यक्रम का हिस्सा है लेकिन प्रत्येक कक्षा में हमारे लिए जो अलग अलग क्रियाएं होती हैं वो क्रिया हमारी पाठ्यचर्या में सम्मिलित हो जाती है। तो हम कहें कि ये हमारे हमारे लिए जो हमारे विषय वस्तु का विवरण है जो निर्मित करते हैं हम विशेष प्रकार के निर्मित करके छात्रों को एक दूसरे को एक रूप से एक तरीके से हम इसको सुव्यवस्थित रूप से नियोजित करके और फिर हम इसका क्या करते हैं नियोजित करने के बाद में हम इसको आयोजन इसका संगठित रूप जो बनाया है हमने उसे हम नियोजित करके और हम उसे अपने कार्य में लेते हैं फिर जाके कहीं यह हमारी प्रक्रिया के रूप में आता है। तो पाठ्यचर्या के लिए हम कहते हैं कि पाठ्यचर्या हमारी पाठ्य वस्तु का एक विकास है जो कि हमारा हमें हमारा इस पाठ्यचर्या के बिना संभव नहीं हो पाता है। हम ये कहें कि ये हमारे लिए एक विषय निर्देश करती है कि किस तरीके से हमें आगे जाना है ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए हमारे जो कार्य करते हैं इसके अंदर विभिन्न हमारे ऐसे सुझावों को इसमें निर्दिष्ट किया जाता है कि क्या क्या हम इस पाठ्यचर्या के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो जो पाठ्य वस्तु कहते हैं सुव्यवस्थित रूप से जो हम छात्रों को प्रदान करते हैं तो वही रूप हमारा पाठ्यचर्या कहलाता है यानी कि जो हम सुनियोजित करके जो पाठ्य वस्तु का नियोजन करते हैं और उसको क्रमबद्ध रूप से उसे प्रक्रिया में काम में लेते हैं तो वही रूप हमारा पाठ्यचर्या कहलाता है उसे हम कहते हैं हमारे पाठ्य वस्तु की प्रक्रिया हमारी पाठ्यचर्या हमारा सिलेबस ये हम उसको कहते हैं। अब हम कहते हैं कि जो हमारा इसका सामान्य आशय होता है पाठ्यचर्या का हम कहें कि हम किसी चीज के बारे में किसी चीज का अर्थ निकालते हैं तो हम दो तरीके से निकालते हैं सामान्य रूप से और हम विशिष्ट रूप से। विशिष्ट रूप से निकालने के लिए हम परिभाषाओं का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर हम सामान्य रूप में निकालें अपने शब्दों में निकालें अपने भावों में निकालें या कहें हम अपनी खुद की भाषा में निकालें तो उसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा जो सामान्य रूप है इसका आशय वो है छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री यानी कि जो हमारा सिलेबस होता है कहते हैं पाठ्य वस्तु क्या होता है छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री कि हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके लिए हम कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हैं क्योंकि जब हम इस प्रक्रिया को नियोजित करते हैं तो हम देखते हैं इस प्रक्रिया को नियोजित करने से करेंगे तो उसमें हमारे सामग्री का भी प्रयोग होता है तो इसमें हम छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का हम इसमें प्रयोग करते हैं। फिर है समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका मैंने आपको बताया था ऊपर कि समाज हमारे विद्यालय का हिस्सा है यानी कि हमारे विद्यालय हमारे समाज का हिस्सा है सॉरी कि विद्यालय हमारे समाज का हिस्सा है विद्यालय हमारी एक समाज की लघु इकाई है तो जब तक सामाजिकरण नहीं होगा अर्थात हमें जोड़ेगा नहीं एक कहते ना समाज में रहते हुए ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि हमारा समाज एक दूसरे से जुड़कर रहे समाजीकरण हो अर्थात हमारे अंदर विभाजन न होकर जिसे हम कहते हैं ना संश्लेषण होना चाहिए विश्लेषण नहीं होना चाहिए। तो हमें ये समाजीकरण कब होगा हमें हमारे समाज की आवश्यकताओं
समाज में होने वाली क्रियाओं के बारे में हमें शिक्षा के माध्यम से मिलता है। तो कहते हैं शिक्षा में सामाजिकरण होना बहुत जरूरी होता है। सामाजिकरण में हमारी विद्यालय की अहम भूमिका होती है। हमें किस तरीके से उसे समाज के साथ समायोजन करना है, ये हमें हमारी विद्यालय हमारी शिक्षा से हम सीखते हैं। तो हमारा जो सामाजिकरण है वो विद्यालय की भूमिका होती है, क्योंकि ये समाज का रूप है। तो समाज में होने वाली हमारी आवश्यकताएं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता उसके समाज से जुड़ी होती है, तो वो समाज से जोड़ती है। सामाजिकरण अर्थात हमें समाज से जोड़ना, किस तरीके से हमें समाज से वो जोड़ती है। फिर है हमारा अधिगम अनुभव, यानी कि जब हम किसी चीज के बारे में हम ज्ञान लेते हैं, किसी चीज का हम विशेष ज्ञान ले रहे हैं, तो वो क्या महसूस होता है। हम जिस चीज का ज्ञान दे रहे हैं तो हम सबसे पहले अधिगम को अनुभव करेंगे कि बच्चों ने जो हमने जो बच्चों को सिखाया है वो हमने कहाँ तक सिखाया है और किस तरीके से सिखाया है। तो ये अधिगम अनुभव हुआ ना, यानी कि जो बच्चों ने सीखा है कैसा सीखा, वो अनुभव कौन करते हैं, शिक्षक करते हैं। किस तरीके से, क्योंकि उनका जो मूल्यांकन होता है, उनका जो रिजल्ट आता है वो इस अनुभव के आधार पर होता है कि बच्चों को जो सिखाया उसको बच्चों ने किस तरह से उसका प्रदर्शन किया। फिर ये शिक्षक अनुभव करते हैं कि हमने सिखाया वो बच्चों ने कितना कैच किया। तो ये हमारे एक अधिगम अनुभव में इसको सम्मिलित किया जाता है। निसंदेह कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम इसे एक, हमारे शिक्षक हमें सहायक होते हैं, सहायक के रूप में जो हमें ज्ञान देते हैं। अब जो सिखाया हमें, जो अधिगम करवाया हमें, उन अधिगमों का हमने कितना सीखा है, कितना उसके बारे में जाना है, ये अनुभव का काम हमारे शिक्षक करते हैं। फिर है हमारा इसमें निर्दिष्ट विषयों का पाठ्यक्रम, यानी कि जो जो विषय हमारे लिए निर्दिष्ट की जाती है, निर्धारित की जाती है, या हम कहें कि हमारे लिए जो विषयों का चयन होता है, उस विषयों का चयन करके सारी विषयों का, और हम उसके लिए एक पाठ्यचर्या हम बनाते हैं, अर्थात हम सिलेबस बना लेते हैं उसका, कि हमें किस तरीके से हमें उन सभी विषयों को पढ़ाना है। अब हमारी आती है परिभाषाएं। मैंने ऊपर आपको इसका अर्थ बताया, इसका नाम बताया है, इससे क्या आशय निकलता है सामान्य, वो मैंने बताया। और मैंने दो चीज बताई थी कि सामान्य और विशिष्ट। अगर हम सामान्य रूप में देखें तो मैंने ऊपर बताया, और विशिष्ट में देखें तो मैंने बताया था कि हम जो परिभाषाओं के आधार पर हम इसका विशिष्ट अर्थ निकाल सकते हैं। तो जो श्रीमती आर के शर्मा जी थी, उनके अनुसार हम कहें कि पाठ्यचर्या ऐसी शैक्षिक विषय या विद्यालय की उस रूपरेखा से, कहते हैं कि पाठ्यचर्या का आशय उस शैक्षिक विषय या विद्यालय की उस रूपरेखा से है जिसमें विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी एवं समुदाय के उत्तरदायित्व के निर्णय के साथ साथ सर्वांगीण विकास के अध्ययन तत्व समाहित होते हैं। मैंने इसमें जो अर्थ समझा रही थी मैं आपको, उसमें भी मैंने बताया था कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, संवेगात्मक, ये सारे गुण, इन सभी गुणों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। जब ये सभी गुण हमारे अंदर आ गए तो अपने आप से ही उस व्यक्ति का क्या होता है, सर्वांगीण विकास। तो वही चीज बताइए कि जो हमारा शैक्षिक विषय है वो उस विद्यालय की रूपरेखा है जिसमें विद्यालय, शिक्षक, यानी कि उसमें विद्यालय के अंदर जो शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी एवं समुदाय के उत्तरदायित्व, यानी कि जो उनके उत्तरदायित्व होते हैं शिक्षक के, किसके प्रति, विद्यार्थी और समुदाय के प्रति, उन उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, और साथ में उनके सर्वांगीण विकास के अध्ययन के जो तत्व होते हैं उन्हें हम उसमें समाहित करते हैं कि किस तरीके से हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, किस तरह से हम उनका चौमुखी विकास कर सकते हैं, ये हमारा उसके अंदर आता है। फिर है हमारी दूसरी परिभाषा जॉनसन के अनुसार। तो जॉनसन जी ने कही थी कि पाठ्यचर्या में अधिगम के परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण है न कि अधिगम के अनुभव परिणाम उद्देश्य से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि हम जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं, कि जो हमारा परिणाम निकलता है उससे ज्यादा हमारे उद्देश्य इससे महत्वपूर्ण है, कि हमने जो उद्देश्य लिए हैं
क्या बच्चों को समझ में आए हैं। हमने कई बार देखा है कि बच्चों का जो परिणाम होता है, कई बार वो परिणाम गलत निकल जाता है। वो कैसे निकलता है, यानी कि हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चों के अंदर कई प्रकार के भय होते हैं। जो उद्देश्य उन्होंने लिया, उस उद्देश्य को जो उन्होंने पूरा किया था, वो विषय वस्तु का जो ज्ञान लेना चाह रहे थे, उस पाठ्य वस्तु का उन्होंने ज्ञान लिया, लेकिन उसका परिणाम सही नहीं निकला। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो उद्देश्य होते हैं हमारे, सबसे ज्यादा कहते हैं कि इसमें हम परिणाम को महत्वपूर्ण नहीं मानकर हमें उद्देश्यों को इससे महत्वपूर्ण मानना चाहिए कि बच्चों को जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो बच्चे सीखेगा नहीं। अब हम लास्ट में जब हम इसके सामान्य अर्थ को जानते हैं, परिभाषा करते हैं, तो उसके बाद में ये हमारा दायित्व कि हमें उसकी विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि जहाँ पाठ्य वस्तु हमारे लिए एक धुरी है, हमारा आधार है, उस आधार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये विशेषताएं हैं। सबसे पहले हमने कही थी कि पाठ्यचर्या एक नियोजित होती है, अर्थात जो प्रक्रिया नियोजित पूर्व में हम इसे नियोजित कर लेते हैं, जब इसे हम संपादित करते हैं उससे पहले हम इसके लिए एक योजना बनाते हैं, अर्थात ये एक नियोजित प्रक्रिया है। उसे किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, प्रस्तुतिकरण किस तरीके से करना है, इस पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षक अपनी ये प्रक्रिया पहले निर्धारित करते हैं। अर्थात हम कहें कि पाठ्यचर्या हमारी एक नियोजित प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक हम नियोजित नहीं करेंगे तो हम उसे आगे सुव्यवस्थित ढंग से हम उसे उस प्रक्रिया को प्रसारित नहीं कर सकते। तो हमें प्रभावशाली बनाने के लिए हमें इसे एक नियोजित प्रक्रिया के रूप में अपनानी चाहिए। तो इसकी विशेषता होती है कि ये नियोजित प्रक्रिया होती है। सेकंड है, इसे इसके लिए कहते हैं कि पाठ्यचर्या के चार मुख्य आधार होते हैं। इन आधारों पर जो हम धुरी की बात कर रहे थे, इसकी ये चार धुरियां होती है, इन आधार पर हमारी पाठ्यचर्या कार्य करता है। सबसे पहले हमारी सामाजिक शक्तियां। विद्यालय के लिए समाज सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा के लिए समाज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वही शिक्षा लेगा जो उसके समाज में उसकी आवश्यकता है। इसीलिए इसमें समाज की जो शक्तियां निहित होती हैं, समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। सेकंड है मानवीय विकास का ज्ञान, यानी कि हम व्यक्ति का जो विकास करते हैं वो उस ज्ञान के बारे में सुनेंगे कि हमें किस तरीके से हमें ऐसा ज्ञान मिलना चाहिए जिससे कि हम हमारे अंदर जो मानवीय गुण है, हमारी जो आवश्यकता है, हम उनका विकास कर सकते हैं। तो इसमें मानवीय विकास का ज्ञान। थर्ड है हमारा इसका अधिगम स्वरूप, यानी कि जो इसकी अधिगम प्रक्रिया होती है उसका स्वरूप, किस तरह से टीचर ने पढ़ाया और किस रूप में विद्यार्थी ने इसे ग्रहण किया, तो ये अधिगम का स्वरूप है। फिर है ज्ञान तथा संज्ञान का स्वरूप। ज्ञान के लिए हम जानते हैं कि ज्ञान हमारा सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है, हमारा अंतिम जिसे कहें कि मूल्यांकन, जिस चीज की हम नॉलेज ले रहे हैं वो पूरी तरह से प्रमाणित होने के बाद में जो ज्ञान है वो हमारे ज्ञान की श्रेणी में आता है। और संज्ञान, यानी संज्ञान का मैंने पहले भी बताया था कि संज्ञान का अर्थ होता है हमारी मानसिक योग्यता, कि किस रूप में हमने संज्ञान उस मानसिक योग्यता के उस पार तक हम पहुंचे हैं कि हमें उस ज्ञान का पूरी तरह से अनुभव हो गया, यानी कि ज्ञान हमने लिया है तो वो ज्ञान हमारे संज्ञान की स्थिति में पहुंच जाएगा, हमारे मानसिक यानी मस्तिष्क पटल पर वो हमेशा अपनी छाप छोड़ेगा। तो ये हमारा उसका संज्ञान स्वरूप होता है। नेक्स्ट इसका जो विशेषताएं है वो है उद्देश्य साध्य एवं साधन के रूप में, यानी कि जो ग्रहण करता है, और ये कहते हैं कि उद्देश्य हमारा साध्य होता है, जिसके लिए हम तप करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, और फिर वो क्या बन जाता है हमारा साधन, यानी कि जिसे हमने तप करके प्राप्त किया है साध्य रूप में, और हम उसका क्या करते हैं फिर साधन के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, वो हमारी साधना, जो साध्य हमने काम में लिया है, कहते हैं कि जो हमारा पाठ्यचर्या है वो साध्य और साधन के रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है। फिर है अनुदेशन प्रक्रिया। शिक्षक के लिए कहते हैं कि पाठ्यचर्या में शिक्षक एक अनुदेशन प्रक्रिया, एक अनुदेशन होता है जो कि हमें हमारे लिए कहते हैं ना, अनुदेशन होता है हमें किस तरह से सीखना है, क्रमबद्ध ज्ञान। तो हमें जो ज्ञान देते हैं पाठ्यचर्या का, वो कौन देते हैं, शिक्षक। तो ये इसमें हमारे शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक के लिए ये एक अनुदेशन प्रक्रिया है, या हम कहें शिक्षक हमारे लिए अनुदेशन है, और उस प्रक्रिया को वो नियोजित करते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो में थी बच्चों कि पाठ्यचर्या क्या होती है। तो आगे मैं ये समझूंगी कि आप पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का जो हमारा
कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो चुका होगा कि पाठ्यचर्या क्या होती है और पाठ्यक्रम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो लाऊंगी वो दोनों में आपका अंतर लाऊंगी। आप इसे ध्यान से देखें जिससे कि ये आपसे आगे गलती भी ना हो। धन्यवाद।